हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल त्रिभुवन कुमार भारतीय में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग की बारी है जोरदार वाली, जोरदार बोले तो मैराथन की, जिसमें कि हम लोग एक से एक जितना भी ऑलरेडी हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं डिस्कशन पेपर 2 एजुकेशन का, जो कि दिसंबर 2018 में आया हुआ था। आज हम लोग उसी में मैराथन रेस करेंगे, मतलब जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है सब एक दिन में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमारे पास अब टाइम भी नहीं बचा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय लें और कर सकें। फ्रेंड्स, कहीं हैंग वगैरह हो रहा है क्या? सब कुछ सही सलामत चल रहा है? एक मिनट में चेक करता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये हैंग हो रहा है क्लासेस। आप लोग तब तक में जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए ताकि हम लोग डिस्कशन कर सकें। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स? क्या आप सभी मुझे देख पा रहे हैं अच्छे तरीके से? ओके, उसके पहले क्लास स्टार्ट करने के पहले, जब तक मैं आप लोग लाइव आ जाते हैं तब तक मैं एक ब्रीफ अनाउंसमेंट है कि हमारे द्वारा, जो मेरे पीछे में देख रहे हैं, एन टी ए नेट दिसंबर 2020 का क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले अभी जो सबसे ज़्यादा जरूरी पड़ता है नेट के स्टूडेंट्स को एग्जाम पास करने के लिए, वो है ऑनलाइन मॉक टेस्ट। ऑनलाइन इसलिए, ऐसा ऑफलाइन भी ये हो सकता है, लेकिन ऑफलाइन उसके लिए ना जहाँ पर एग्जाम ऑफलाइन हो, लेकिन एग्जाम अभी ऑनलाइन है। तो सो फ्रेंड्स, तो ऑनलाइन एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज है हमारा, और जो कि आपको घर बैठे मिलता है। इसमें पेपर वन में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 499 रुपीज, और ये पेपर वन उसके लिए, और पेपर वन प्लस पेपर टू एजुकेशन, हमारे पास एजुकेशन है, अगर दोनों में ले लेते हैं तो आपको लगता है ₹999, मतलब 999 रुपया, 1000 रुपया में 1 रुपया कम, बोले तो आपको डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट जो ये 100 रुपीज़ का जो डिस्काउंट मिल रहा है, ये डिस्काउंट होता है किसके लिए? जो एजुकेशन का स्टूडेंट है, बिकॉज पेपर टू सिर्फ एजुकेशन में ही है और दूसरे में नहीं है। तो अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट के हैं तो पेपर वन और पेपर टू दोनों में एडमिशन लेना है, क्योंकि अभी, मतलब जो कल हमारा मॉक टेस्ट आया था और आज जो मॉक टेस्ट आएगा, इसमें है कि पेपर वन और पेपर टू दोनों अलग अलग है। स्टार्टिंग में 2018 में, दिसंबर 2018 में जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था एनटीए के द्वारा, उसमें पेपर वन और पेपर टू के बीच में गैपिंग था, इसीलिए हम भी उसी डिजाइन का सेट किए थे कि पेपर वन पेपर टू के बीच में गैपिंग दे रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, पेपर वन और पेपर टू के बीच में कोई गैपिंग नहीं होगा, लगातार होगा, जैसे कि एनटीए के द्वारा ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है, सेम टू सेम वैसा ही हमारा भी होगा कि एक ही साथ में होगा। इसीलिए जो जिसका पेपर टू एजुकेशन है, उनको पेपर वन और पेपर टू दोनों में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि एक ही साथ एग्जाम है, इसीलिए उनके लिए कंबाइंड है, पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों में एडमिशन लेना होगा, ₹999 लगेगा। और पेपर वन जिसका कि एजुकेशन पेपर टू नहीं है, कोई दूसरा सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स, वो पेपर टू में एडमिशन लेने से उनको फायदा ही नहीं होगा, तो वो सिर्फ पेपर वन में एडमिशन ले सकते हैं और वो सिर्फ पेपर वन का ही मॉक टेस्ट देंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और ये एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसमें टोटल है 21 मॉक टेस्ट, लेकिन अगर अभी एडमिशन ले रहे हैं तो अभी है हमारा एग्जाम तक फटाफट 10 मॉक टेस्ट चल रहा है, जिसमें कि पहला मॉक टेस्ट आज शाम को डाला जाएगा। तो ये फटाफट 10 मॉक टेस्ट आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एग्जाम के जस्ट बाद से संडे हमारा मॉक टेस्ट होगा, उसमें है टोटल 21 मॉक टेस्ट। तो बोले तो जो अभी एडमिशन लेंगे उनको 31 मॉक टेस्ट मिलेगा, और बाय चांस जैसे कि कोरोना जैसा कंडीशन अभी आया और टाइम आगे बढ़ गया, तब तो 30 से भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जो पुराना स्टूडेंट है जो ऑलरेडी एडमिशन लिए हैं स्टार्टिंग से, उनको तो पता भी होगा कि हमारा कैसा चल रहा है सिचुएशंस, मतलब ऑलरेडी 30 से भी ज़्यादा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, वो सबको
रहने देते हैं और आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग भी तैयार होंगे अच्छे तरीके से। और अभी तक में जो आ चुके हैं वो हैं अनन्या आचार्य जी, मोम्पी पाहन, मोहम्मद इकरार, और आप सभी को गुड मॉर्निंग। मोहम्मद इकरार, मैंने एजुकेशन पेपर टू के लिए फीस सबमिट किया है, अब क्या करना है? मोहम्मद इकरार, आपको करना क्या है कि टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना है। टेलीग्राम जैसा कि व्हाट्सएप होता है वैसे ही टेलीग्राम होता है। उससे आपको हमें जो ऊपर में 7002221924 नंबर दिख रहा है, आप इसी पे टेलीग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है, कॉल नंबर भी है, तो आप इसी पे हमें टेलीग्राम कर दीजिए। आपका नाम, सब्जेक्ट और डेट ऑफ फी पेमेंट, किस डेट पे आप फी पेमेंट किए हैं, तो आपको रिस्पेक्टिव ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और किस प्रोग्राम के लिए किए हैं, मॉक टेस्ट के लिए किए हैं या स्टडी मटेरियल के लिए किए हैं, ठीक है। और आगे चल के मतलब जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो 2020 का ग्रुप होगा अलग से उसका पेड ग्रुप बनाया जाएगा एग्ज़ाम के बाद, तो उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और अभी तो फटाफट 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेगा ही। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक स्टूडेंट्स और आना बाकी है, अभी 9 स्टूडेंट्स हुआ है, 10 स्टूडेंट्स हो जाएगा कि हम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, आपका क्लियर हो गया होगा मोहम्मद इकरार। और जो एडमिशन नहीं लिए हैं वो जल्दी से कर लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। या आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो जो ऊपर में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7002221924, आप इस पर कॉल करके बातें कर सकते हैं। और आपको अगर पर्सनली मेरे से ही बात करना है तो मैं डेली शाम को 6 से 7 के बीच में लाइव रहता हूँ, आप उस समय हमसे बात कर सकते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है मेरे पीछे, क्वेश्चन है आज का पहला स्टार्टिंग हो रहा है, इसीलिए आसान क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। तो आप लोग, आई होप आप लोग माइंड मेकअप करके आए होंगे कि लंबा टाइम चलना है, क्योंकि मैराथन है तो मैराथन में तो लंबा टाइम होता है, इसलिए अच्छे तरीके से चलना है, ठीक है। एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज ए काइंड ऑफ नैरेटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ, एक अनुकथनात्मक अभिलेख निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक वृतांत है? पहला है इवेंट्स हैपनिंग इनसाइड द क्लासरूम, मतलब कक्षा के भीतर घटनाओं का घटित होना। इवेंट्स हैपनिंग आउटसाइड द क्लासरूम, कक्षा के बाहर घटनाओं का घटित होना। एवरी एपिसोड इन स्कूल लाइफ, विद्यालय जीवन में प्रत्येक आख्यान। सिग्निफिकेंट एपिसोड्स इन स्कूल लाइफ, विद्यालय जीवन में महत्वपूर्ण आख्यान। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। डू फर्स्ट, आप लोग कीजिए इसे जल्दी से। कुछ एक स्टूडेंट का आंसर आया है, दो का आया है, और भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जल्दी से। ये कुछ सबको क्लियरली दिख रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम रह गया है, ये कैमरा के सेटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम रह गया है। डी, कुछ का कहना है ए, कुछ का कहना है डी। फ्रेंड्स मैं एक मिनट के लिए थोड़ा सा ओके। तो देखते हैं हम लोग इसका, एक्चुअली में इसका सही आंसर होगा 59 में सेम डी, इसका डी ही सही आंसर है, ठीक है। विद्यालय जीवन में महत्वपूर्ण आख्यान एक्चुअली होता है कि एनेक्डोटल होता है, एक तरह से शॉर्ट स्टोरी कह सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी। तो ये शॉर्ट स्टोरी स्टूडेंट्स के बारे में, स्टूडेंट के लाइफ से रिलेटेड, स्टूडेंट का कुछ एक खास एक पार्टिकुलर इवेंट्स ऐसा हुआ जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जोरदार है, जिसके कि लिखना चाहिए आगे फ्यूचर के रेफरेंस के लिए, या और कुछ इस डिजाइन का अगर चीज़ है उसे हम लोग एनेक्डोटल रिपोर्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंस एपिसोड्स इन स्कूल लाइफ, जब स्कूल लाइफ में होता है तो ये लिखा जाता है, चाहे वो कुछ खास, जैसे कि कुछ खास अचीवमेंट है, कुछ खास अचीवमेंट उन्होंने गेन किया है, या और इस डिजाइन का कुछ हुआ है, तो उसको ये नोट करने का है, ठीक है। तो आगे आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने में, अगला क्वेश्चन ये वाला दिख रहा है सभी को,
फ्रॉम द सिक्वेंस गिवेन बिलो आइडेंटिफाई द करेक्ट वन रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। भारत में दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रमों के विकास के संबंध में नीचे दिए गए सही क्रम की पहचान कीजिए। ओपन लर्निंग, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, ई लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, आप लोग इसको देखिए जल्दी से और इसको बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग, क्या होगा इसका सही आंसर। हो गया, एक्चुअली स्टूडेंट्स मैं नोटिफिकेशन देना भूल गया था। जो स्टूडेंट्स हैं डेली क्लास के पहले हम उन्हें नोटिफिकेशन दिया करते हैं और आज नोटिफिकेशन नहीं दिए, इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स कम हैं। अदरवाइज सबको ऑलरेडी बताया हुआ है। हो गया, वन मिनट मोर। तो इसका सही आंसर होगा 60 का बी, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, डिस्टेंस लर्निंग, ओपन लर्निंग एंड ई लर्निंग। बोले तो पत्राचार पाठ्यक्रम, दूरवर्ती अधिगम, मुक्त अधिगम और ई अधिगम। तो जिन्होंने ये आंसर दिया है उनका सही है। तो सबसे पहले ये आंसर देने वाले हैं लुसी कुमारी, गुड मॉर्निंग, बहुत लेट करके आए हैं आप। अनन्या आचार्य जी, सॉरी, सबसे पहले दिए हैं इसका सही आंसर आशीष दास, उसके बाद मोम्पी पाहान। करस्पॉन्डेंस कोर्स एक्चुअली फ्रेंड्स ये सब कुछ वैसा ही है, लेकिन सबसे पहले करस्पॉन्डेंस कोर्स आया था। तो ये इस डिजाइन का पत्राचारी कार्यक्रम, इसको पत्राचारी बोलते हैं ना, हाँ पत्राचारी पाठ्यक्रम सबसे पहले लॉन्च किया गया था USA में, अमेरिका में। उसके बाद वहीं से मतलब अमेरिका से ही ये फैलना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। फिर उसी में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन किया गया, मतलब जब सभी जगह आ गया तो डिस्टेंस एंड उसके बाद आ गया क्या, डिस्टेंस लर्निंग, ओपन लर्निंग, ई लर्निंग। तो इसमें अब जैसे अभी जैसे ओपन लर्निंग में फिर क्या आ गया, थोड़ा क्लासेस भी होने लगा। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स पहले था जैसे कि अब जाके मतलब जैसे वीकली क्लास होना ये सब आ गया, और उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी उसमें इंटर किया। और अभी तो खैर इतना सारा टेक्नोलॉजी है कि जैसे कि अभी आपको मैं बता रहा हूँ, फिर और भी बहुत सारा जैसे कि गूगल मीट है, टीम मीट है, टीम है माइक्रोसॉफ्ट का, तो इसके थ्रू आमने सामने होता है। बहुत सारा यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेज इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, जैसे कि मेरे स्कूल का टीचिंग जो हो रहा है तो अभी ऑनलाइन करवा रहे हैं और ऐसे ही करवा रहे हैं। फिर गूगल मीट, टीम मीट, ये सब का यूज करके हम वो लोगों को बता रहे हैं और आप लोग भी पढ़ रहे हैं। तो अब एक तरह से कहें अभी जो चल रहा है ये एक तरह से ई लर्निंग है, ठीक है। तो यहाँ पर हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक। हाँ लूसी कुमारी, नोटिफिकेशन नहीं आया था इसलिए, क्योंकि शाम को ही दे दिया गया था, तो इसीलिए मतलब शाम को ही दे दिया गया था कि 7 बजे से क्लास होगा, तो जाहिर सी बात है 7 से 5 या 10 तक में क्लास स्टार्ट हो जाता, इसीलिए नहीं दिया गया था। बाय द वे आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इसका बी होगा। और अगला अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इन विच कंट्री इज द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन बोथ सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड इन फॉर्म एंड कैरेक्टर। निम्नलिखित में से किस देश का शैक्षणिक प्रशासन का स्वरूप और प्रकृति केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दोनों रूप में है? पहला है इंडिया, दूसरा है यूके, तीसरा है यूएसए, चौथा है फ्रांस। भारत, यूके, अमेरिका एंड फ्रांस। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इन विच कंट्री इज द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन बोथ सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड इन फॉर्म एंड कैरेक्टर। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड दोनों मीनिंग तो आपको समझ में आता होगा, पहले आप बना दीजिए उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। डू फर्स्ट। हो गया यूके, क्या बात है, लगता है पूरा प्रिपरेशन के साथ आए हैं आप लोग आज। मैराथन का मतलब मैराथन होता है, इसलिए फुल प्रिपेयर होके आए। जी हाँ, इसका सही आंसर यूके ही है, यूनाइटेड किंगडम। और फ्रेंड्स आप लोग जल्दी जल्दी बना दिया कीजिए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है तो जिसमें रियली में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगा उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ते जाएंगे जिसमें कि आप लोगों की डिमांड होगी। तो यहाँ पर यूके में डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड दोनों है। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड में अंतर क्या है? सेंट्रलाइज्ड होता है किसी एक ही के द्वारा, मतलब सेंटर के द्वारा कंट्रोल कर किया जाना। अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, इफ़ यू विल सी इन द परस्पेक्टिव ऑफ इंडिया, देन इफ ऑल द एजुकेशनल सिस्टम वुड बी कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स फ्रॉम दिल्ली, न्यू दिल्ली, देन दिस टाइप ऑफ एजुकेशनल सिस्टम वुड बी कॉल्ड एज सेंट्रलाइज्ड। इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑल द स्टेट्स, देन दैट टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम विल बी कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइज्ड। बट हियर कंडीशन इज बोथ सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम, मीन्स एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रेजेंट इन बोथ, मतलब सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड, एंड सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रेजेंट इन यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसे आप ब्रिटेन भी कहते हैं। इन इंडिया आप लोगों का सोच आ रहा होगा कि इंडिया में भी होता है सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड बोथ, बिकॉज सीबीएसई बोर्ड इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड स्टेट्स बोर्ड, फॉर एग्जाम्पल असम बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, ऑल ऑफ दिस बोर्ड्स आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बट हियर एडमिनिस्ट्रेशन इज देयर। फॉर एग्जाम्पल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंप्लीमेंटेड मीन्स फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट इट इज डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट ऑल द स्टेट्स विद सम व्हाट और माइनर और नो मॉडिफिकेशन इन दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। व्हाट इज दिस? सेंट्रल गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑन ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री। सो दिस इज नॉट द प्योर डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म, दिस इज अ सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन। ओनली कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ओनली मैनेजमेंट इज प्रोवाइडेड टू द स्टेट, बट एडमिनिस्ट्रेशन इज कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। That is, book is written by the NCERT, books and curriculums are designed by the NCERT for school education, and Ministry of Human Affairs either or UGC for university colleges, etc. So this is a centralized form of government, a centralized form of administration in India. Not fully centralized, but almost centralized. But in United Kingdom, administration is under control the central government as well as provincial government or state government also. Okay, let us move. You have in front of you a next question. In which of the following countries did the concept of vocationalizations of education appear early? निम्नलिखित में से किस देश में शिक्षा के व्यवसायीकरण की अवधारणा पहले आई? Good morning, Amit Dubey. बहुत late. India, भारत, Australia, United Kingdom means Britain and USA. In which of the following countries did the concept of vocationalization of education appear first? Vocationalization means व्यवसायीकरण, व्यवसायीकरण education for employment or creation of employees. This is the vocationalization of education. मतलब वैसा education जिसमें कि रोजगार उन्मुख हो, मतलब है कि रोजगार के तरफ हो, तो रोजगार उन्मुख तब होगा ना जब vocationalization होगा। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं। 62 आंसर आना स्टार्ट।
आशीष दास का कहना है बी, अनन्या आचार्य जी का कहना है डी, लूसी कुमारी का कहना है बी। मतलब यहां पर आशीष दास का अलग है, बाकी सबका डी है कहना। हाँ, मम्पी पाहन का भी बी है। ओके, बी में है ऑस्ट्रेलिया, डी में है यूएसए। डू फास्ट। देखते हैं इसका सही आंसर। और भी स्टूडेंट्स हैं, आप भी आंसर दे सकते हैं, आप सभी भी आंसर दे सकते हैं। गलती होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा से ज्यादा गलती होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, इसलिए आप बना सकते हैं। आगे बढ़े। ओके, इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। तो जिन्होंने डी आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है। ये जो व्यवसायीकरण, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में भी व्यवसायीकरण किया गया है एजुकेशन का, और खास करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, जिसमें कि क्लास सिक्स से ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगा, वर्क जॉब, वर्कशॉप, या किसी भी इंडस्ट्री जैसे कि कारपेंट्री हो गया, या मतलब पेंटिंग वगैरह हो गया, टेलरिंग हो गया, ये सब क्लास सिक्स से ही उसके इंटरेस्ट के अनुसार, उसका बोले तो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के अनुसार किया जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। लेकिन अमेरिका में सबसे पहले स्टार्ट किया गया, सबसे पहले वोकेशनल लाइसेंस, मतलब वहां पर स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग इस ढंग से दिया जाने लगा ताकि वो अच्छे से पढ़े और वोकेशनल मतलब रोजगार उन्हें प्राप्त हो सके। इंडिया का एजुकेशन क्या था? किताबी विद्या, थियोरेटिकल नॉलेज, किताबी विद्या। स्टूडेंट इंडिया में स्टूडेंट अभी तक, मतलब अभी भी वही चल रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं हुआ है अभी तक, क्या है, एजुकेटेड है बट एम्प्लॉयबल नहीं है अभी। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि एम्प्लॉयबल नहीं है, एजुकेटेड क्रिएट हो रहा है बट एम्प्लॉयबल कैंडिडेट क्रिएट नहीं हो रहा, ठीक है, यह बहुत कम हो रहा है। नेक्स्ट, द राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज एक्चुअली इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन, भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम वास्तविक रूप से कब क्रियान्वित किया गया था? ऑप्शन है 15 अगस्त 2009, 26 अगस्त 2010, 1 अप्रैल 2009 एंड 1 अप्रैल 2010। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, घिसा पीटा क्वेश्चन है, और जब से ये लागू हुआ है तब से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, हो सकता है इस बार फिर से एग्जाम में आए या इसी से रिलेटेड कुछ आ जाए एग्जाम में। डू क्या होगा? सरस्वती माइटी का कहना है डी, आपका क्या कहना है? डू फास्ट। हो गया, सभी का कहना है डी, 63 का कहना है सभी का कि डी। इन रियलिटी 1 अप्रैल 2010 ही होगा इसका सही आंसर, 1 अप्रैल 2010 ही होगा, डी ही होगा। तो एक्चुअली फ्रेंड्स आपको बता दूं, ऐसे सबको पता है, इसमें एक भी स्टूडेंट गलती करने वाले हैं क्या? नहीं, किसी ने गलती नहीं किया है। तो ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये जो ऐड किया गया था, ये 20 आर्टिकल कहाँ पे लिखे हैं? कलर एक मिनट में मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ये 86 अमेंडमेंट एक्ट लागू किया गया था ये 2002 में, इसी समय कंपलसरी, जिसमें कि 21A आर्टिकल 21A ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को बोला गया था। बाद में इसी में कुछ और भी टर्म फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को लाए गए, राइट टू एजुकेशन एक्ट, और इसे फंडामेंटल राइट के फॉर्म में दिया गया। इसी समय 21A फंडामेंटल राइट में एक्ट किया गया, और इसी में ऐड किया गया RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसे कि ये 2009 में ही ये बना था, बट लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में, जिसमें कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 ईयर्स के बच्चे के लिए कंपलसरी किया गया, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया कि इसे कंपलसरी रूप से इसे लागू करवाना, वो नहीं दिख रहा है, 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया, और स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि इसे फुलफिल करे, और इसी स्कीम के तहत बहुत सारा चीज इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। ओके, आ रहे हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने ये वाला,
दिख रहा होगा सभी को, द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन्वाइट्स प्रपोजल्स फ्रॉम डाइट्स फॉर इंक्लूजन ऑफ आइटम्स इन द प्राइमरी स्कूल करिकुलम विच इन टर्न इन्वॉल्व BRCs एंड CRCs, दिस अप्रोच विल बी कॉल्ड, मतलब एक राज्य सरकार का शिक्षा विभाग प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में विषयों के समावेश के लिए DIET से प्रस्ताव आमंत्रित करता है जिसे BRC तथा CRC को संप्रेषित कर दिया जाता है। इस उपागम को कहा जाता है फर्स्ट डिमोन्स्ट्रेशन मॉडल, सिस्टम एनालिसिस मॉडल, ग्रासरूट मॉडल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, प्रदर्शनात्मक प्रतिमान, व्यवस्था विश्लेषण प्रतिमान, जमीनी प्रतिमान एंड प्रशासनिक प्रतिमान। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। डू फास्ट। इसमें मेरा फिगर रुक रुक के आ रहा है ना, हैंग कर रहा है, मतलब आज इंटरनेट की स्पीड उतनी नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली आगे बढ़े, सभी का आंसर आ चुका है। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी हैं जिनका आंसर नहीं आया हुआ है। सभी का आंसर, कुछ स्टूडेंट्स इसमें गलती कर दिया भाई। जी हाँ बिल्कुल, इसका सही आंसर एक दो का गलती है, बाकी सबका सही है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है, प्रशासनिक प्रतिमान। ये BRC, अच्छा डाइट को जो प्रपोजल दिए, इनवाइट्स प्रपोजल्स फ्रॉम डाइट्स फॉर इंक्लूजन ऑफ आइटम्स इन द प्राइमरी स्कूल करिकुलम विच इन टर्न इन्वॉल्व्स BRCs एंड CRCs। एक्चुअली ये कि बहुत दिन पहले डाइट्स को डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, ऐसे शायद कुछ नाम है डाइट का, आप लोग को भी पता होगा, तो ये डाइट से प्रपोजल मांगा गया था कि सही ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एजुकेशन सेक्टर में क्या करना चाहिए, उससे प्रपोजल मांगा गया था। तो उन्होंने ऑप्शंस दिया था BRC और CRC बनाने का। BRC बोले तो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, और CRC बोले तो क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। आप लोगों को इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए ये सब बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हर चीज यहाँ पर लिखना संभव नहीं होगा, बिकॉज मैराथन इज गोइंग ऑन, और आज इसको खत्म कर देना है, 100 तक आज पूरा देना है, ताकि अगला दिन अगला करेंगे ऐसे ही मैराथन के फॉर्म में। ये आप ही लोग का सजेशन था, और एग्जाम में ज्यादा टाइम भी नहीं है। तो ये BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर और CRC क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। BRC में पूरा का पूरा ब्लॉक जो है उसको एक सेंटर के रूप में बनाया गया, उसमें किसी एक टीचर को, मोस्टली वो टीचिंग फैकल्टी से ही लिया गया है, तो उसको बनाया गया और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये 5 साल के लिए, कहीं पर 3 साल के लिए किसी किसी स्टेट में, और हो सकता है कि आपके स्टेट में, आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वहां पर इसी का कुछ और नाम रखा गया होगा, या तो ऐसा होगा ही नहीं, या तो होगा जरूर। मैं अपना स्टेट असम की बात बता रहा हूँ, जहां पर मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर, तो यहां पर यह सब चीज लागू है। ऑलरेडी 4 साल हो चुका है, 4 या 5 साल हो गया है इसका लागू हुआ, और यहां पर BRC CRC का फॉर्मेशन हो रहा है और अपॉइंटमेंट हो रहा है, चेंज होता है ये, और ये चेंजिंग इसलिए होता है समय समय के अनुसार। BRC CRC जो बनाया जाता है वो इसलिए होता है ताकि वो एडमिनिस्टर सही ढंग से कर सके, जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम आता है, ठीक है, तो सही ढंग से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। तो जो CRCs है, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर का जो हेड जिसको बनाया गया है, उसको कुछ स्कूल्स दिया गया उस क्लस्टर में, और उतना ही स्कूल को उसको कंट्रोल करना है, विजिट करके, मूव करके, मोटिवेट करके, और ये हो गया CRCs, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है, एडमिनिस्ट्रेशन सही ढंग से किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के मॉडल को एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द स्कूल हेडमास्टर कंडक्ट्स ए मॉनिटरिंग प्रोग्राम फॉर इंप्रूविंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल प्रोसीड्योर, दिस विल बी इन द मिडस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन, मतलब एक विद्यालय का प्रधानाचार्य कक्षा में अनुदेशन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए एक निगरानी कार्यक्रम का आयोजन करता है, निम्नलिखित में से यह किस प्रकार का मूल्यांकन है। ऑप्शन है नॉन रिफरेंस्ड इवोल्यूशन, क्राइटेरियन रिफरेंस इवोल्यूशन, समेटिव इवेल्युएशन एंड फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, मानक संदर्भित मूल्यांकन,
निकट संदर्भित मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन एंड निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। सर रामतीर्थ भारती ये एजुकेशन की क्लास चल रही है, ठीक है? नहीं, रामतीर्थ भारती ये टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं है, ये एजुकेशन का है। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको इसलिए मिलता जुलता रख रहा है कि क्योंकि एजुकेशन का क्लास है और एजुकेशन में, टीचिंग एप्टीट्यूड में एजुकेशन से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है? और ज़्यादा पेपर वन का मैक्सिमम चीज एजुकेशन से ही लिया गया। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च एप्टीट्यूड एजुकेशन का है, टीचिंग एप्टीट्यूड एजुकेशन का है, तो ये दोनों और एडमिनिस्ट्रेशन से जो रिलेटेड है ये ज़्यादातर चीज एजुकेशन से ही लिया गया, इसीलिए आपको लग रहा है ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास है, ठीक है? रामतीर्थ भारती वेलकम इन आवर चैनल। आप किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं रामतीर्थ भारती? सभी का आंसर आ गया है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ओके, किसी का दूसरा भी आंसर है क्या? नहीं, सभी का आंसर यही है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। एक्चुअली दो प्रकार का इवेल्युएशन होता है मेन रूप से, आपको भी पता होगा। एक होता है सम्मेटिव इवेल्युएशन और दूसरा होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। यहां पर भी लिखा हुआ है सम्मेटिव इवेल्युएशन और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में काफी वास्ट डिफरेंस है। सम्मेटिव इवेल्युएशन कोई भी प्रोग्राम चलाए और लास्ट में हम देखते हैं ये कितना सक्सेसफुल रहा या फ्लॉप किया। लेकिन फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में होता क्या है कि कोई प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, जैसे कि मिड डे मील स्कीम अभी चल रहा है, राइट टू एजुकेशन एक्ट अभी चल रहा है, तो किसी प्रोग्राम रनिंग है उसके बीच में ही उसको इवेल्युएट किया जाता है कि कितना परसेंट ये प्रोग्राम सक्सेसफुल है या कितना परसेंट ये प्रोग्राम फ्लॉप कर रहा है। और कई बार आप देखते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोई भी प्रोग्राम को लॉन्च किया जाता है, उसके बाद उसको और भी डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल ये मिड डे मील की ही अगर बात करें, स्टार्टिंग में ओनली 50 डिस्ट्रिक्ट में ही इसे लॉन्च किया गया था और उसके बाद उसका इवेल्युएशन किया गया, तो वो समेटिव इवेल्युएशन नहीं कहलाएगा, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कहलाएगा। उसके बाद इसे पूरे इंडिया में ऑल ओवर द कंट्री इसे लॉन्च कर दिया गया क्योंकि ये काफी सक्सेसफुल रहा था मिड डे मील स्कीम, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन से पता चला। उसके बाद बीच बीच में भी ये इवेल्युएशन किया जाता है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन वो कहलाएगा। प्रत्येक स्कूल से डेटा वगैरह कलेक्ट किया था, ये कितना परसेंट सक्सेसफुल है, कितना परसेंट फ्लॉप है, और अगर फ्लॉप है तो क्यों फ्लॉप है, और उस कारण को दूर करने की कोशिश किया जाता है, ठीक है? तो ये है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। क्लियर हो गया सबको? आपको खोला हुआ रामतीर्थ भारती इकोनॉमिक्स है, तो हमारे पास में पेपर वन है, आप पेपर वन में हेल्प ले सकते हैं या एजुकेशन से क्वेश्चंस पेपर वन में, टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड कॉमन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर वन में हमारा मॉक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, हिस्ट्री मेटल में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला, हु यूज द टर्म मैनेजमेंट, पेन का कलर ब्लैक है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। हु यूज द टर्म मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब उद्देश्य द्वारा प्रबंधन MBO पद का पहली बार प्रयोग किसने किया? FW टाइलर, एल्टन मायो, नॉर्मन RF मायर एंड पीटर ड्रकर। तो क्या होगा इसका सही आंसर? FW टेलर, इल्टन मायो, नॉर्मन RF मायर एंड पीटर ड्रकर। तो इसका क्या होगा सही आंसर? डू फर्स्ट, सोनम सिंह का कहना है बी, मतलब इल्टन मायो। और भाई जल्दी कीजिए, आप लोग थोड़ा सा जल्दी कर दिया कीजिए क्योंकि कंप्लीट करना है, बहुत दिन हो गया, चौथा दिन है, तो इसीलिए आज मैराथन की है, आज संडे भी है, आप लोग को फुर्सत भी होगा, तो इसीलिए मैराथन किए हैं कि खत्म करके ही दम लेंगे और अगला दिन मतलब कल दूसरा ईयर का स्टार्ट करेंगे। आगे है सबका आंसर, मोम्पी पहन का भी बी, आशीष दास का भी बी, मोहम्मद इकरार का भी है ए, सरस्वती माइटी का कहना है बी, अनन्या आचार्य जी का कहना है सी,
लेकिन इन रियलिटी सही आंसर आप लोगों में से कोई नहीं बता रहे हैं। अच्छा खोला खोआ आप आज फिर से फ़ोन कर दीजिएगा या आपको कॉल बैक किया जाएगा, अगर आप फ़ोन किए होंगे और नहीं उठा पाए होंगे या हो सकता है रात में फ़ोन किए होंगे। अच्छा प्रियंका, आप तो प्रियंका चौधरी राइट, प्रियंका चौधरी आपका रात में फ़ोन आया था 8 बजे के बाद। मैं जो अवेलेबल रहता हूँ कॉल रिसीव करने के लिए 6 से 7, और 6 से 7 के बाद रात हो जाता है, तो रात में नॉर्मली कॉल रिसीव नहीं किया जाता है, काफ़ी इमरजेंसी सिचुएशन है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रात में कॉल करें भी नहीं, क्योंकि सबको अपना अपना काम रहता है और अपना अपना काम में बिजी रहता है, फिर सोना वगैरह होता है, ठीक है। और मॉक टेस्ट के लिए अलग से पेमेंट करना होगा। हमारे पास 2 स्कीम्स है, ठीक है, स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट, ठीक है।